हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, मैं वीडियोस बहुत रेयर बनाता हूँ। प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन एक एक टाइप है कोरिलेशन का। कोरिलेशन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है कार्ल पियर्सन और एक है स्पेयरमैन। ये तीनों रैंक कोरिलेशन निकालने में मदद करते हैं। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो गाइस देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये याद करने का फॉर्मूला है। इसको मतलब रैंक कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला है। इसको भी याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। इसका बहुत ही याद इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1। तो गाइस ये फर्स्ट मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है। मैं आपको ये वाला बाद में बताऊंगा, ये भी इजी है, बस इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ जाता है। तो पहले तो गाइज मैं आपको ये वाला बता दूं कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कैसे फाइंड करना है इस फॉर्मूले से। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ जैसे आपको दो सीरीज़ दूंगी एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई दो सीरीज़ दे लूँगी। पहले तो आपको हम इनको करना है रैंक 1 एंड रैंक 2। रैंक 1 जो होती है उसमें आपको इनको रैंक वाइज करना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट है 80, जो छोटे से बड़ा होता है वो वाला 80 फर्स्ट है। फिर उसके बाद है 60 सेकेंड है, और थर्ड है 50, फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इसमें है 1, 2, 3, नहीं, 3, 4, 5, 6। तो गाइस मेरे को इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा, मैंने पहले से नहीं सोचा था। तो चलिए दिखाई देता हूँ आपको। फिर ये देखिए, यहाँ पे मैंने रैंक कोरिलेशन बड़े से किया, मतलब जो बड़ा है वो सबसे पहले और जो छोटा है सबसे लास्ट में। जैसे 1, 80, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 35, फिर 20। इधर भी मैंने सेम चीज़ किया, पर इधर मैंने थोड़ा सा उल्टा किया। थोड़ा तो सा उल्टा किया, सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिया है, जैसे 1, 2। और अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको टेस्ट में दो से ज़्यादा सीरीज़ नहीं दी होंगी, तो इसलिए आप टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, ये इजी होगा आपके लिए। ये काफ़ी इजी मेथड है और ये आपके यूटी में या फिर फाइनल में पक्का आता है, पक्का 4 या फिर 6 मार्क्स का ये श्योरली आता है। तो 6 मार्क्स में तो आपको ये बड़ा फॉर्मूला वाला आएगा, ये 4 मार्क्स में ही आएगा। तो गाइस इसमें हमें फिर निकालना पड़ता है डी डी और डी स्क्वायर। जो डी होता है वो निकलता है R1 माइनस R2 से। जैसे देखिए, 6 माइनस 1 होता है 5, फिर 4 माइनस 6 होता है -2, 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे होता है 2 माइनस 4 माइनस। गाइस इतना तो आपको आता ही होगा, प्लस माइनस दो टाइप। तो ये तो मेरे को लगता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो इसको फिर इससे माइनस करके, इसको इससे माइनस करके, ये है इसको इससे माइनस करके, ये है इसको इससे माइनस। R1 हमेशा पहले आएगा, फिर -R2 आएगा। तब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, 0, 4, 16 और 1। अगर हम इसको पूरा एडअप करेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। तो ये हमारा आया 50 50 है। देखिए यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और जो एन है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे यहाँ पे हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फॉर्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा, R = 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन एन स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला होगा। तो हम इसमें पुट करते हैं। चलिए अभी
1 माइनस 6 इंटू, जैसे हमने सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ निकाला था डी का ये फाइंड करके, तो डी स्क्वायर 50 है, तो 1 माइनस 6 इंटू 50 बाय एन था, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 था, तो इधर हो जाएगा 6/6² - 1, तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 300 बाय 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 35, 35 × 6 होता है 210, हाँ 210 होता है। फिर तो आपको इसमें बस नॉर्मल सॉल्व ही करना है, 4.-4.02 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे 1 भी था, 1 इसको डिवाइड करके ये आया, तो 1 अगर 1 में से माइनस करें तो इसका आएगा तो आएगा 0.58, 0.58। तो ये एक है पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं गाइज, मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ करके आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d² / n n² - 1 को सॉल्व करके कैसे, इससे पहले तो मैंने रैंक कोरिलेशन निकाला, फिर दोनों को रैंक वाइज किया, फिर उससे d निकाला, r1 - r2 करके d निकाला, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसको फॉर्मूले में पुट करके किया। ये बहुत इजी मेथड है।